सीजीआई चंद्रचूड़ ने बीजेपी गवर्नर की लगाई क्लास। गवर्नर ऐसे मामलों में बोलता क्यों है? गवर्नर बीजेपी का एजेंट नहीं हो सकता। जब से डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं तब से चर्चा में हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। गलत पाए जाने पर मोदी सरकार को भी जमकर फटकार लगाते हैं। एक बार फिर सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भड़क गए, लेकिन इस बार उनका निशाना बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी बने हैं। गवर्नर का असली काम क्या होता है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भगत सिंह कोश्यारी को साफ लफ्जों में समझा दिया है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे की ओर से सरकार बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसको लेकर शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू है। शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा कि आखिर गवर्नर राजनीति में कैसे दखल दे सकते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने भगत सिंह कोश्यारी को सुप्रीम फटकार लगाते हुए कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक मामलों और सरकार के गठन में दखल नहीं देना चाहिए। वह कैसे राजनीतिक गठबंधन और सरकार गठन को लेकर टिप्पणी कर सकते हैं? आखिर गवर्नर ऐसे मामलों में क्यों बोलता है? वह सरकार के गठन पर कैसे बात कर सकता है? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक राज्यपाल को राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मोदी सरकार ने क्या दलील दी? आप वोटर के पास एक व्यक्ति के तौर पर ही नहीं जाते, बल्कि साझी विचारधारा के नाम पर पहुंचते हैं। मतदाता विचारधारा के नाम पर वोट करते हैं, जिसे पार्टियां प्रोजेक्ट करती हैं। हमने हॉर्स ट्रेडिंग शब्द सुना है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने विपरीत विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर सरकार बना ली, जो शिवसेना और भाजपा गठबंधन के खिलाफ मैदान में थी। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। फिलहाल अदालत में इस बात पर सुनवाई हो रही है कि शिवसेना से बगावत करके भाजपा संग सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि दोनों में से किस गुट को शिवसेना का तीर धनुष का सिंबल दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह पूरा मसला इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। गौरतलब है कि अदालत में इस बात पर भी सुनवाई चल रही है कि क्या डिप्टी स्पीकर की ओर से मेंबरों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल संवैधानिक बेंच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।